नहीं तो वोट नहीं, कोड़ी फतेहपुर ब्लॉक 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 बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, कोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, कोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, कोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक बनाओ, कोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, कोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, कोड़ी फतेहपुर ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं, कोड़ी फतेहपुर 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 ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं। कम से कम डेढ़ महीने जो है बस स्टैंड पे आंदोलन चला कि ब्लॉक जो है कोड़ी फतेहपुर होना चाहिए, लेकिन बीच में शासन ने ऐसा कर दिया कि ब्लॉक बंद ही कर दिया। अब फिर से हम लोग सभी लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉक होना चाहिए। जय हिंद। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? अच्छा, चल रही है आपके यहाँ ब्लॉक की मांग? चल रही है 3 साल से। 13 साल से? 13 साल से। 13 साल से अब तक ये शासन ने क्यों नहीं सुना, आप थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? कुछ नहीं रहा है, जहाँ भी जाते हैं कुछ सुनते नहीं। तो आप लोगों ने कभी प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास किया क्योंकि जब जहाँ से गए जी केहोली गए। अभी जानकारी मिली है कि हमारे ब्लॉक टोड़ी फतेहपुर ना होके पैरौली और वगैरह में जा रहा है, जैसा कि विज्ञप्ति शासन के द्वारा आई है। और अगर ब्लॉक नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपका विकास नहीं है, विनाश है। विनाश है। तो अगर ब्लॉक नहीं आता है तो आप क्या शासन प्रशासन को अपनी बात किस स्तर से रखना चाहेंगे, किस तरीके से रखना चाहेंगे? प्रशासन जब हमारी बात रखेगा तो हम प्रशासन की रखेंगे, अनशन करेंगे, प्रशासन हमारी बात नहीं रखेगा तो हम प्रशासन की बात नहीं रखेंगे। बिल्कुल। चाचा, आपका क्या नाम है? बाबूलाल कुशवाहा। बाबूलाल कुशवाहा जी, आपने देखा है कि कई वर्षों से लगातार मांग चलती आ रही है। बिल्कुल चली आ रही है, अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं सुना है। जनप्रति तो जब चुनाव आ जाता है तो उस समय बात करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके बाद ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप चुनेंगे नेक्स्ट टाइम? क्यों चुनेंगे? हमारे सामने की बात रखी है, मैं मंच के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि है, उनने साफ मना कर दिया था कि हम सहमति पत्र क्यों दें आपका, कैरोली टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक क्यों बनाया जाए। भाई साहब, जब आप हम लोग वोट देते हैं तो कुछ ना कोई उम्मीद रखते हैं, किंतु वो सब उम्मीदों में पानी फेर देते हैं, कहते हैं कि भाई टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, टैरोली बनना चाहिए। तो हम आपसे जनता से ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या हम वोटर नहीं है? हम क्या उनको वोट नहीं देते हैं? देते नहीं देते हैं? तो ऐसे प्रतिनिधियों को यहाँ पे अपन लोग क्यों बुलाते हैं, क्यों उनका सम्मान करते हैं? और जब तक हम आप लोग जागरूक नहीं होंगे, ये जनप्रतिनिधि सुनने सुधरने वाले नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके माध्यम से उन्होंने बोला था कि टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे, जबकि यहाँ से 4705 वोट गया था विधानसभा में, 4705 वोट गया था, वोट जाने के बावजूद भी अगर हमसे ये सुनने को मिले कि आपको टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ जाइए अपन लोगों को क्या करना चाहिए। सही है, धरना, ठीक है ना? धरना नहीं देंगे जब तक, धरना जन आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी बात को आगे नहीं सुना जाएगा। ठीक है, हमारा एक नियम है, जब तक अपने को ब्लॉक